हेलो माय लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दो सनस्क्रीन का कंपैरिजन, एंड दोनों ही एक ही ब्रांड से है। दैट वन इज फ्रॉम ब्रांड डॉक्टर शेड। सो ये है डॉक्टर शेड का हल्दी एंड हाइलोरिक एसिड सनस्क्रीन स्प्रे, एंड ये है डॉक्टर शेड का सेरेमाइड एंड विटामिन सी सनस्क्रीन। तो पर्टिकुलर ये दोनों जो सनस्क्रीन है ना, इनके अंदर सेम एक्टिव्स है, सेम ही इंग्रेडिएंट लिस्ट है। सो काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है जब आप बाय करने जाते हो कि इन दोनों में से मुझे कौन सा बाय करना चाहिए। पर्टिकुलर इन दोनों प्रोडक्ट का डेडिकेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, एंड उन्हीं वीडियोस पे मुझे काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत सारे डाउट्स थे लोगों के कि दीदी दोनों में ही सेम एक्टिव है, सेम ही फिल्टर है, सेम ही इंग्रेडिएंट है, तो हम कौन सा बाय करें, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि कंपैरिजन रिव्यू वीडियो आप लोगों के साथ जरूर से शेयर कर देना चाहिए। मेक श्योर कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल रहे, तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं इन दोनों का ही कंपैरिजन। सो आप कंपैरिजन देख सकते हो, दोनों का ही लुकिंग वाइज बहुत ज्यादा कंपैरिजन है। ये आपको मिलता है कुछ इस तरह की बॉटल के अंदर, एंड ये आपको मिलता है कुछ इस तरह की ट्यूब में। सो ये पर्टिकुलर जो बॉटल आपको मिलेगी, ये स्प्रे फॉर्म में मिलती है, जस्ट बिकॉज कि ये सनस्क्रीन स्प्रे है, एंड ये आपको नॉर्मल जैसी ट्यूब पैकेजिंग होती है ना, फ्लिप फ्लॉप ट्यूब्स जो होती है, वैसी ही आपको ये मिलती है। ये जो दोनों सनस्क्रीन है, ये एक ही ब्रांड से है, एंड इसके अंदर है हल्दी एंड हाइलोरिक एसिड, एंड इसके अंदर है सेरेमाइड एंड विटामिन सी। बट इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को डेप्थ में अगर हम जाके देखेंगे, तो इसके अंदर भी 1% हाइलोरिक एसिड है, इसके अंदर भी 1% हाइलोरिक एसिड है, इसके अंदर 1% हल्दी एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर 2% विटामिन सी है, एंड सेरेमाइड है। एंड इस पर्टिकुलर सनस्क्रीन में भी आपको सेरेमाइड मिल जाएंगे, एंड इसके अंदर आपको मिनरल एंड ऑर्गेनिक फिल्टर दोनों ही मिलते हैं, और इस पर्टिकुलर सनस्क्रीन में भी आपको मिनरल एंड ऑर्गेनिक फिल्टर मिलेंगे। सो यस, इन दोनों ही सनस्क्रीन में आपको तीन तरह के केमिकल फिल्टर एंड दो तरह के ऑर्गेनिक फिल्टर मिलेंगे। सो इंग्रेडिएंट लिस्ट वाइज अगर हम देखें, तो दोनों के अंदर इंग्रेडिएंट काफी 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 ज्यादा सिमिलर है। यस, ये जो पर्टिकुलर सनस्क्रीन है ट्यूब वाला, इसके अंदर SPF 50 है, एंड PA 3 बार प्लस है, एंड इसके अंदर SPF 50 है, एंड PA डबल प्लस है, दैट मीन्स कि इसके अंदर 4 times प्लस है। तो ये आपकी स्किन को थोड़ा सा लॉन्ग लाइक जो सन की रेज होती है उनसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा। लाइक प्रोटेक्ट तो दोनों सेम करेंगे, बट इसको आपको 3 से 4 घंटे में रीअप्लाई करना पड़ेगा, और इसको आप 5 घंटे में रीअप्लाई करो, दैट इज सफिशियंट। तो PA जो प्लस रेटिंग होती है वो यही होती है कि आपको कितने घंटे के बाद इसको रीअप्लाई करना है। एंड यस, ये क्लेम भी कर रहा है कि आपकी स्किन को 24 hours हाइड्रेट करेगा, एंड ये आपको 100 ml की क्वांटिटी में मिलता है, जस्ट बिकॉज कि लिक्विड फॉर्मूला है इसलिए ml की क्वांटिटी में आपको मिलेगा, एंड ये आपको मिलता है 50 grams। सो यस, दोनों की रेट अगर हम देखें, तो इसका MRP है 699 rupees, एंड इसकी MRP यहाँ पे मेंशन नहीं है, सो सॉरी, इसके कार्डबोर्ड पे थी तो मैं आप स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। सो यस, दोनों प्रोडक्ट काफी कुछ सिमिलर है, बट यस थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। सो कंसिस्टेंसी हम पहले देख लेते हैं, एंड इसकी कंसिस्टेंसी आपको ऐसी मिलेगी, आपको स्प्रे करना पड़ेगा, एंड दिस इज द कंसिस्टेंसी। तो ये आपको काफी ज्यादा लाइट, एकदम पानी की जो रनी कंसिस्टेंसी होती ना, वैसी मिलती है, और बहुत जल्दी से स्किन के अंदर जाती है, और बहुत लाइट फॉर्मूला, मतलब आपको फील भी नहीं होगा कि आप कुछ लगा रहे हो, बिल्कुल चिपचिपा नहीं, बिल्कुल ग्रीजीनेस नहीं, एकदम लाइट फॉर्मूला, जैसे पानी हम कैसे टोनर अपने फेस पे लगाते हैं, वैसे ये आपको फील देगा और वैसा इसका लुक आएगा। सो दिस इज द स्प्रे सनस्क्रीन, एंड आप देख सकते हो हाइड्रेट भी रख रहा है स्किन को, काफी अच्छे से हाइड्रेशन मिल रही है। एंड ये जो सनस्क्रीन है, ये आपको मिलती है क्रीमी फॉर्म में, तो जो नॉर्मली हमारे मॉइस्चराइजर वगैरह होते हैं जो क्रीम फॉर्म में होते हैं, वैसे आपको मिलते हैं। सो इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये क्रीमी फॉर्म में आपको मिलेगा, बट इसका फॉर्मूला भी काफी ज्यादा लाइट है, ये भी बिल्कुल हैवी नहीं लगता है, बिल्कुल व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है सनस्क्रीन स्प्रे की जैसे। तो लुक एट दिस, ये आप देखो। तो दोनों का फॉर्मूला काफी कुछ सिमिलर है, दोनों ही नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीजी फॉर्मूला है, हैवी नहीं लगते हैं फेस पे, और बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ते हैं। तो फॉर्मूला वाइज भी काफी कुछ सिमिलर है। अभी बात करते हैं कि इन दोनों में से आपको कौन सा बाय करना है, अगर आप बाय करने के लिए जा रहे हो। मेरा जो एक्सपीरियंस है उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ, मुझे इन दोनों पर्टिकुलर सनस्क्रीन में से ये बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा, और ये आई थिंक मैं लास्ट ईयर भी मैंने यूज किया था, 2-3 ट्यूब मैंने लास्ट ईयर खत्म की थी, एंड दिस इज माई 2nd ट्यूब इस साल की, ये जो समर स्टार्ट हुई थी उसके बाद मैंने ये 2nd परचेज किया है, और इसको भी मैंने परचेज किया, बट दिस इज माय फर्स्ट बॉटल, आई थिंक मैं इसको फिर से रीपर्चेज नहीं करूंगी, जस्ट बिकॉज एक तो मुझे इसका रीजन ये लगा कि लाइक जो इसका क्वांटिटी है ना,
दो ये थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी है इसके कंपैरिजन में, काफी अच्छी क्वांटिटी है, बट जब आप स्प्रे करते हो ना तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट वेस्ट होता है। मतलब आप फेस पे लगाओगे तो जहां मतलब कभी होता है कि कहीं ज्यादा लग गया है, कहीं ज्यादा स्प्रे हो गया, कहीं नहीं हो गया, तो ठीक है वो आप ब्लेंड कर सकते हो, लगा सकते हो, बट मुझे कहीं ऐसा फील हुआ कि ये जो पर्टिकुलर सनस्क्रीन है ये काफी ज्यादा वेस्ट होती है। मतलब मैं इसको आई थिंक 20 या 25 दिन से यूज कर रही हूँ और अभी मेरा ये प्रोडक्ट इतना सा बचा, आप देखो कि थोड़ा सा बचा है। तो जब आप स्प्रे करते हो ना तो आपको लाइक आप फॉरहेड पे भी करोगे, सनस्क्रीन ऐसी चीज है कि आपको बहुत अच्छे से अप्लाई करना पड़ता है, आप इधर भी करोगे तो यहाँ जब आप स्प्रे करते हो ना तो आधा प्रोडक्ट इधर से निकल जाता है, आधा प्रोडक्ट इधर से बालों पे लग जाता है। मतलब थोड़ा सा मुझे बहुत मैसी लगा था इसको यूज करना, बट यस अगर आप अपनी बॉडी पे यूज करना चाह रहे हो, हाथ पे लगाना चाह रहे हो, नेक पे लगाना चाह रहे हो, तब ये बहुत अच्छे से अप्लाई होगा। बट फेस पे मुझे ऐसा लगा कि बालों पे भी लग जाता है, और जब अगर आपने मेकअप किया हो और आप री अप्लाई कर रहे हो तो ये आपके आईलैशेस पे, आईब्रोज वगैरह पे भी सबको मतलब गीला कर देता है पूरे फेस को। तो मुझे इसका ये चीज अच्छी नहीं लगी, एंड दो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, ये भी बहुत ज्यादा लाइट है और बहुत ज्यादा लाइक क्रीमी टेक्सचर में है, तो इसको अप्लाई करना बहुत 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 ईजी है। बट यस इसको री अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, एंड इसको री अप्लाई करना थोड़ा सा ईजी है, बट मेकअप के साथ अगर आप इसको री अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा आप मैसी फील होगा आपको। बट यस ये 80 मिनट्स तक आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, और ये वाटर रेजिस्टेंट है और स्वेट रेजिस्टेंट है। दैट मीन्स कि अगर आप स्विमिंग पूल वगैरह में जा रहे हो, या फिर आपको स्वेट बहुत ज़्यादा आती है, आप बाहर बहुत ज़्यादा समय के लिए रह रहे हो, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपकी स्किन के लिए। मतलब मैं बोलूँगी अगर आपको बॉडी पे लगाना है, और अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में जा रहे हो या आप स्विमिंग वगैरह के लिए जा रहे हो, देन यू कैन गो फॉर दिस। बट अगर आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में लगाना चाहते हो एंड अच्छी सी आपको प्रोटेक्शन चाहिए, दो प्रोटेक्शन इससे भी मिल रही है, बट ये फॉर्मूला एंड इसका जो वर्क है, इसका जो रिजल्ट है, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा एज कम्पेयर टू दिस। सो आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको रीपर्चेस करूंगी, क्योंकि बहुत वेस्टेज है यार प्रोडक्ट का, और इतना मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इसको लगाने के बाद। मुझे इतना हैप्पी फील नहीं हुआ कि यार मैं एक अच्छा सनस्क्रीन लगा रही हूँ, पता नहीं क्यों, इंग्रेडिएंट सब कुछ सेम है, बट इसको लगाने के बाद इतना हैप्पी फील नहीं हुआ मुझे। दिस इज ऑल टाइम माई फेवरेट सनस्क्रीन, एंड इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर सेरेमाइड्स है, हाइलोरिक एसिड है, इनफैक्ट इसके अंदर विटामिन सी भी है। तो अगर आप चाहते हो, मतलब आप इससे लेजी पर्सन हो, आपको अलग से सारे रूटीन्स फॉलो नहीं करने हैं, तो आप क्या करो, सेरम का काम आपका हाइलोरिक एसिड एंड विटामिन सी कर देगा, साथ ही साथ के अंदर सेरेमाइड्स है, तो मॉइस्चराइजर का काम आपका सेरेमाइड्स कर देंगे, और सनस्क्रीन तो इसके अंदर अपने आप में है ही है। तो यस दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, आप आंखें बंद करके इसको ट्राई कर सकते हो, और एक बार जरूर से ट्राई करना, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपका एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर सनस्क्रीन के साथ कैसा है। सो यस गाइस दैट्स ऑल अबाउट इन टुडेज वीडियो, आई होप कि आज का कंपैरिजन रिव्यू वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो, एंड इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया है, देख लीजिएगा। अगर आपको बाय करना है तो उन लिंक पे आप क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, और वहां से आप इजीली बाय कर सकते हो। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ गाइस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।